आपने कंप्लीट कर लिया है पीडीएफ आल्सो सेंड होगी एंड पीडीएफ से आपने पूरा आपका फेयर वर्क आप कंटिन्यू रखेंगे। क्या आज हम सेकंड चैप्टर पे आते हैं, आपका सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, आपका सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यू हैव लर्न इन चैप्टर फर्स्ट दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना प्लांट अपना जो फूड है वो कैसे बनाते हैं फोटोसिंथेसिस, मतलब की प्रकाश संश्लेषण की विधि से। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स में, बट एनिमल्स से कंट्रोल, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स गेटेड प्लांट। मतलब जो एनिमल्स होते हैं प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं, वो या तो प्लांट पे डिपेंड करते हैं तो डायरेक्टली प्लांट खा लेते हैं, जैसे कि जो गाय भैंस पशु होंगे वो, या फिर हम जैसे जो प्राणी है वो क्या करेंगे अदर प्लांट्स से जो बीज मिलेंगे हमको दाने उनसे भोजन बनाएंगे, या फिर जो एनिमल्स होते हैं अदर एनिमल्स को भी ईट करके और अपना फूड की रिक्वायरमेंट कम्प्लीट करते हैं। Some animals eat both plants and animals. Recall that all organisms, including humans, require food for growth, repair, and functioning of the body. First chapter में आपने complete पढ़ा था. Animals nutrition includes nutrients requirements, mode of intake of food, and its utilization in the body. मतलब कि प्राणियों में जो nutrition की पूर्ति है वो कैसे होती है, भोजन के अंतर्ग्रहण और उसमें सन्निकटता ग्रहण में सन्निहित होती है। और द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब हमने जो ईट किया है फूड उसको क्या करना है, जो हमारी यूजफुल रहेगा हमारी बॉडी के और किस पार्ट को क्या चाहिए प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो उसके क्या करना पड़ेगा, जो कॉम्प्लेक्स उसका जो रहता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रहता है तो उसको हम सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमने जो खाया है खाना भोजन हमने भी मतलब की गेहूँ की रोटी खाई है तो उसमें से जो आपको कार्बोहाइड्रेट के जो पार्ट मिलेंगे, रोटी तो हमें पूरी खाई है लेकिन जैसे चाहिए तो उसकी क्या होते अलग अलग पार्ट हो जाते हैं कई तरह से, है ना। और फिर वो पार्ट जब बॉडी में जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, मिल्क लिया तो मिल्क में प्रोटीन बहुत सारा होता है तो मिल्क भी किस तरीके से यूजफुल है, इस तरीके से वो सिंपल सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। इससे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में चेंज होने वाले इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन, है ना। ओके, पाचन डाइजेशन हम इसमें पूरा चैप्टर में हमारा डाइजेशन से तो यह ह्यूमन बॉडी के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम शो किया है आपको किस तरीके से हम फूड ईट कर रहे हो और वो किस तरीके से खाना है होके जाता है और उसमें कैसे कैसे हमारी बॉडी वर्क करती है। ओके, तो हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपका डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। आप फूड को टैग करने के भी बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं। टैग मतलब कि खाना खाने की बहुत सारी विधियां या खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां, अंतर्ग्रहण मतलब कि अंदर कैसे ले रहे हैं आप अपने, अब बोलोगे ये कौन सी विधि होती है, हम तो ऐसे तो खाते हैं ये बस ये खाना लिया आप उनसे खा लेते हैं, हम ही थोड़ी ना यार अलग तो है, और भी एनिमल्स होते हैं और भी प्राणी होते हैं उनकी अलग अलग विधियां होती है। जैसे कि हमारी बात कर रहे हैं ह्यूमन्स एंड एनिमल्स के जो होते हैं वो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, मदर मिल्क से, है ना, जो अपनी माँ का दूध पीते हैं। लेकिन जो स्नैक्स होते हैं स्नैक्स लाइक पाइथन मतलब अजगर जैसे कुछ होते हैं वो इंसान को ऐसा कैसे निकल लेते हैं, और भी जैसे कि जो बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड होते हैं शक्द नेक्टर ऑफ प्लांट्स मतलब कि वो बीज मधुमक्खी टाइप के जो होते हैं वो अपना भोजन कैसे करेंगे, वो भी तो प्राणी है ना, तो वो क्या करते हैं शक्द नेक्टर ऑफ द प्लांट्स मतलब कि चूसने का कार्य करते हैं, जो उनका प्लांट्स का रस होता है ना फूलों का वो वाला मकरंद जिसको बोलते हैं नेक्टर, नेक्टर मतलब कि उसका मकरंद चूस के अपना भोजन करते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी वेरियस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड शब्द नेक्टर ऑफ प्लांट्स इनफेक्ट ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क, स्नैक्स लाइक द पाइथन
swallow the animals, they prey open. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed open them. मतलब कि इसके अलावा जो क्या बोला आपको aquatic animals मतलब कि जो जलीय प्राणी पानी में भी तो कुछ जल जीव रहते हैं ना, तो वो अपना भोजन कैसे करते हैं, आसपास नियर ही जो भी उनको मिलता है छोटी छोटी से खाने लायक चीज उनको फिल्टर करते हैं और फिर उनको ईट करते हैं। सेकेंड पॉइंट आते हैं हम डाइजेशन इन ह्यूमन। अब सबसे पहले हम डाइजेशन इन ह्यूमन देखेंगे, फिर डाइजेशन इन एनिमल्स देखेंगे। डाइजेशन इन ह्यूमन, इसके बाद में आपको एक अमेजिंग फैक्ट दे रखा है जैसे कि स्टार फिश के बारे में। तो स्टार फिश जो होती है वो क्या करती है, अपना जो खाना खाती है तो उसका जो स्टमक रहता है ना, वो स्टमक एज इट इज बाहर निकाल के रख देती है, और बाहर निकाल के उसके अंदर स्टमक में खाना लेती है, फिर उस स्टमक को वैसा वैसा अंदर ले लेती है और फिर वो खाना चलता रहता है। इस तरीके से बहुत सारे टाइप होते हैं फूड को टैग करने के। ओके, डाइजेशन इन ह्यूमन, मानव में पाचन। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। ओके, ये चैप्टर आपको पूरा शो जाएगा। वी टेक द फूड थ्रू द माउथ, अपने माउथ में क्या करेंगे हम भोजन रखेंगे। ओके, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज, डाइजेस्ट मतलब उसको पचाएंगे और उसको थोड़े थोड़े भागों में तोड़ेंगे। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड, जो यूज के नहीं होंगे वो डिफेक्टेड होकर चल के लास्ट तक बचे रह जाएंगे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू द फूड इन साइड द बॉडी, क्या आपने कभी सोचा है कि उस भोजन का हमारे अंदर होता क्या है एक्चुअली। द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअल कैनल, कंटिन्यूस कैनल जो होती है आपकी, ये सारी प्रोसेस इसकी तरह इसके थ्रू आपका अंदर जाता है। विच बिगिंस एट द बकल क्वालिटी एंड एंड्स एट एनस, जो बकल क्वालिटी कैविटी है वो बकल क्वालिटी है मतलब कि जो आपके मुंह के अंदर का पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट होता है और एंड का आपको होता है एनस में, इसको हम बोलते हैं गुदा द्वार, जहां से आपका जो बेस्ट होता है फूड का जो भी हुआ हो सकता है। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस का गोबल कैविटी से स्टार्ट होकर एनस पे एंड होगी। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इन टू वेरियस कंपार्टमेंट, द गोबल कैविटी आपको दिख रहा है माउथ में, फिर आपका फूड पाइपिंग और एसोसिएटेड, तो ये आपका होगा सैलरी जॉइंट, ये जो नीचे का हमारा जबड़ा टाइप का होता है इसको बोलते हैं। आपका फिर आ जा रहा है गर्दन, इसमें गर्दन में टूटता है जिस तरीके से। लीवर की आपका यहाँ पे शरीर का ये लीवर बना हुआ है, स्टमक भी आपका स्टमक है, यहाँ से आपका खाना इस तरीके से जाएगा। फिर पैंक्रियास, पैंक्रियास यहाँ पे आपका दे रखा है, इसमें पैंक्रियास यहाँ से आपका स्टमक में होकर आपका भोजन कहाँ जाएगा, ये स्टमक में आएगा, स्टमक से आपका जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम छोटी आंत या फिर शुद्रांग भी कहेंगे। तो पहले आपकी ये छोटी आंत में जाएगा, फिर आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब इसमें से वो सारा मतलब कि समथिंग 7.5 मीटर की आपकी ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है। फिर उसके थ्रू वापस ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से आपका रेक्टम में आएगा और रेक्टम से आपका एनस में आएगा। ओके, तो ये पूरा आपको पढ़ना है, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड डी इन द रेक्टम एंड द एनस। इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, क्या ये बहुत लंबा रास्ता नहीं है। देयर पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव ट्रैक, द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली ग्रेट डाइजेस्टेड फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट, द इनर पार्ट ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनल सच एज सलाइवरी ग्लैंड्स, द लीवर एंड द पैनक्रीज, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। मतलब ये जो आपके आप खाना जैसे करते हैं हमारे मुंह में जो है लार्व जो है खपली का खत्म नहीं होती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जो कि हमारे डाइजेशन में यूजफुल होता है खाने में, इसलिए डाइजेशन हमको मिलता है। इसी तरीके से लीवर से भी हमको जो भोजन का छानने का काम होता है ना वो लीवर करता है, बोलते ना लीवर खराब होगा लीवर मतलब की वो ही हमारा भोजन छान ही नहीं पाएगा, जो अच्छा अच्छा सा ब्लड ब्लड और ये सब चीजें जो है वो लीवर में छनती है। ये सब तो बड़े पार्ट में ये माउथ से आएगा और फिर स्टमक में, स्टमक से आपका आ जाएगा यहाँ पे इस
small intestine and larger intestine and फिर rectum and anus से तो big part हो गया. लेकिन इसके अंदर जो आपको cervix gland दिया है, liver दिया है, gallbladder दिया है, इनमें से भी क्या है जो necessary हमारे लिए है इसमें रहता है वो सब मिलता जलता है. और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन सिस्टम. सबसे पहले हम आते हैं द माउथ एंड द बकल कैविटी. बॉडी थ्रू द माउथ. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. इंजेशन मतलब अंतर्ग्रहण, हमने भोजन का अंतर्ग्रहण कर लिया है. ओके, वी चीव द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इन टू स्मॉल पीसेस. मतलब कि हम जो हमारे दांतों से उसको चीव करेंगे, मतलब कि चबाएंगे थोड़े थोड़े टुकड़ों में मैकेनिकली इन टू द स्मॉल फॉर्म. मतलब कि जो यांत्रिक रूप से एक तरीके से मशीन चलते है ना, उस टाइम कभी नोट किया आपने, आपका माउथ जो है वो वैसे मशीन के जैसे खाना या स्टार्ट हो जाता है ना, वो मशीन के थ्रू ही काम करना, मशीन के जैसे ही काम करना स्टार्ट कर देता है. ईच टूथ इज रोटेटेड इन सेपरेटली शॉप्ड इनटू जंक्शन है ना. आवर टीथ वेरी इन अप्लायंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स. ओके, मतलब कि जो हमारे टीथ होते हैं वो भी उनका भी कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं. जो आगे के फोर टीथ होते हैं उनका काम पहले काटने का होता है, फिर दो तो पीछे के उनका चबाने का, फिर जो पीछे है वो अलग अलग इनका वर्क होता है और उनको भी अलग अलग नाम उनमें दिए हुए हैं. जैसे कि आपको इस पिक्चर में पूरा शो हो रहा है. ओके, तो आपने ये जो पार्ट है चार शुरू के हैं उनको एक नाम दिया, फिर फिफ्थ नंबर पे एक नाम हो जाएगा, सिक्स और सेवन्थ साथ में आएंगे, और फिर एट नाइन और टेन साथ में आएंगे. तो इस पिक्चर को भी आप पूरा देख के डेंटिस्ट बनना हो अगर तो डेंटिस्ट को यहीं से स्टार्ट करेंगे. हर एक पार्ट का अलग अलग होता है ना. जंग्स जो हमारे टीथ रहते हैं वो जबड़ों के अंदर तक धंसे रहते हैं और सभी की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है टीथ की. फिर इसी तरीके से हमारा टेस्ट का नेचर कहाँ से आता है, टेस्ट हमको मिलेगा टंग से है ना. टंग के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, अलग अलग रीजन डिफरेंट टेस्ट ना. आगे का पार्ट जो होता है वो अलग टेस्ट दिखाता है, पीछे का अलग. इस तरीके से द फूड पाइप एंड फूड पाइप भी बोलेंगे. ओके, फूड पाइप या फिर इसको ये भी बोलते हैं एसोफेगस. फूड पाइप या फिर एसोफेगस, इसमें से क्या होगा, आपका फूड जो है वो स्टमक तक जाएगा. द स्वैलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और एसोफेगस. लुक एट फिगर 2.2, ये अपना 2.2 वाला फिगर है, इसलिए बता रखा है. निकला सैलॉड का मतलब होता है निकला हुआ फूड. ओके, आपका ये वर्ड आपको पंद्रह देखने को मिलेगा, सैलॉड मतलब कि निकला हुआ जो आपने भोजन निकला. द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, कहाँ से रन स्टार्ट करता है, गले से ही ये जो हमारा स्टार्ट हो जाता है. ओके, एंड द चेस्ट, गले से और चेस्ट जो होके जाता है. ओके, फूड इज प्रोसेस्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द पाइप. फूड पाइप, फूड पाइप की जो लाइन होती है, ये फूड पाइप है, इसकी जो दीवार है इसके थ्रू ये जो नीचे खिसकता जाता है. एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउन डाउनवर्ड. मतलब की जो संपूर्ण आहार है उसके अंदर क्या होता है, संकुचन होता है, तो उस वजह से हमारा जो भोजन है वो नीचे उतरता रहता है. आपको एक और ये दे रखा है, इसको अगर शॉर्ट वे में दे रखा है, जैसे कि ये ओनली आपको ये फूड यहाँ पे फूड पाइप दे रखा है और यहाँ पे जो आपका स्टमक दे रखा है. ओके, ये एक छोटा आपको भी दे रखा है फिगर, जिससे आप और इसको अच्छे से समझ सकते हैं. ए टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज वॉमिटेड वॉमिटेड आवर. रिकॉल द इंस्टेंस वेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंक ऑफ द रीजन फॉर इट, डिस्कस विद योर डाइजेशन. मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमने ये खाना जो खाया है वो हमारा वापस से जो स्टमक है वो एक्सेप्ट नहीं करता है और वापस बाहर आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं वॉमिटिंग. आपके साथ भी कभी वॉमिटिंग हुई होगी. द स्टमक
अब स्टमक पैक करेंगे। ये यहाँ पे आ गया अपना ये वाला जो पोर्शन है, स्टमक दे रखा है। डायग्राम आपको सही से दिख नहीं रहा है क्या? दिखाई दे रहा है। द स्टमक इज अ थिन वेल्व बैग। स्टमक क्या होता है? एक मोटी भित्ती की एक थैली जैसा ही होता है, मतलब ये थैली बना रखी है और मोटी भित्ती, मतलब ये जो मोटी सी दीवार जैसा रहता है। थिक वेल्व, इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। मतलब की एलिमेंट्री कैनाल जो इसका जो पार्ट है जे जैसा दिख रहा है, तो यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल, मतलब कि आहार नली का जो होती है ये सब में, इसमें ये सबसे चौड़ा पार्ट रहता है। इट रिसीव द फूड फ्रॉम द फूड पाइप एंड वन एंड एंड ओपन इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एट द अदर। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट द म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। द माइकोस म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट इंटर अलोंग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। मतलब अब यहाँ पे जो आपको सुन रहे हैं ये वहाँ पे चला जाएगा, और जो आंतरिक स्तर है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक म्यूकस, मतलब कि जो इसके अंदर का जो ये मेंब्रेन है उसके उसके अंदर से भी हमको म्यूकस निकलता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस। ये हमको सारा यहाँ स्टमक से मिलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस भी मिलेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। लाइनिंग मतलब कि पाचक रस जो होता है, डाइजेस्टिव जूस मतलब पाचक रस होता है, जो म्यूकस होता है आपका वो प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ द अंतस्तर को प्रोटेक्ट करता है। एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया, जो एसिड मिलता है वो बैक्टीरिया को मारने में काम आता है। फूड एंड मैक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इन टू सिंपलर सब्सटेंस, मतलब कि प्रोटीन को जो है वो सिंपलर सब्सटेंस मतलब कि सरल विघटित कर देते हैं, सरल जो है प्राप्त हो रहा है ये इसको जो है वो सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देगा। नेक्स्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपका कहाँ पे आ गया है? स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे ना, ये यहाँ पे ये यहाँ से ये यहाँ ओके, ये बाहर वाले को बाहर जा रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, मतलब कि ये जो बहुत ज्यादा इसमें आपको डायग्राम में दिखा हुआ कि मैंने भी जो बनाया है वो सही से नहीं बनाया, मतलब कि ये एक दूसरे में बहुत तरीके से ऐसे लिपटी हो रहती है, कुंडली बना रखती है ना, जैसे कि अगर सांप ऐसे ऐसे बैठा रहता है हमको समझ नहीं पड़ती कहाँ से स्टार्ट और कहाँ से एंड हो रहा है, उसी तरीके से कुछ ऐसे अगर स्टार्टिंग तो उसे समझ में आती है स्टार्टिंग यहाँ पे हो रहा है और एंड यहाँ पे हो रहा है, लेकिन बीच में समझ में नहीं आता। ये बहुत ज्यादा लार्ज होती है, 7.5 मीटर 7.5 मीटर की होती है। इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियास, मतलब कि सेक्रेशन मतलब स्त्राव, लीवर मतलब हमारे लीवर से जो मिलता है, लीवर का हिंदी में क्या बोलेंगे यकृत, ओके, लीवर से जो कहा क्या था, लीवर से जो सेक्रेशन मिलता है स्त्राव एंड पैनक्रियास मतलब अग्नाशय, बिसाइड से इट्स वॉल आल्सो सेक्रेट से जूसेस। अग्नाशय और लीवर से यहाँ पे स्त्राव प्राप्त होता है जो कि उसका सेक्रेट से जूसेस पे स्त्राव रस में चेंज हो जाता है। द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल ऑन द राइट साइड। ये राइट साइड में हमको वाला लीवर दिख रहा है, ये कुछ गाजरी टाइप के कलर का होता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड मतलब कि जो हमारी बॉडी में सबसे बड़े वाली ग्रंथि है ये यही रहती है। इट इज इट सेक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गैल ब्लैडर, मतलब कि यहाँ पे आपको
पितृ रस प्राप्त होता है, पितृ रस मतलब की ग्लैंड लेवल पितृ रस होता है ओके। द बाइल प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, मतलब की वसा के डाइजेशन में इस बाइल का या फिर जो जेल जलन मिल रहा है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अब आते हैं हम ऑब्जर्वेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ऑब्जर्वेशन के शुद्रांग में अवशोषण, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इन टू द ब्लड पैसेज इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन ओके। रुधिर वाहिकाओं द्वारा रुधिर वाहिकाओं के द्वारा ये वॉल में प्रवेश करता है, छोटी छोटी जो आंखें इसके अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन, अवशोषण इसको बोला जाता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोव्स, देयर आर कॉल्ड विली, दीर्घ्रो इसको बोलते हैं या फिर अशांक सिंगुलर वॉइस ओके। कैन यू गेसेस व्हाट द रोल ऑफ विली वुड बी इन द इंटेस्टाइन, द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अब्सॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, मतलब की जो विली इंक्रीज होता है वाटर कार्बन डाई ऑक्सीजन जो रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाएगा, एनर्जी इज रिलीज, द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब कि अभी भी भोजन जो है वो पूरी तरीके से डाइजेस्टेड नहीं होगा तब तक कि वो लार्ज इंटेस्टाइन में आना नहीं जाएगा, कंप्लीटली वो वहां पे डाइजेस्ट होगा तब तक कि वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब की वाइडर मतलब की थोड़ी सी छोटी होती है और छोटी होती है, लार्जर वाइडर एंड शॉर्टर ओके, छोटी होती है और थोड़ी सी छोटी होती है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, मतलब की ये वाली कितनी मीटर थी आपकी 7.5 मीटर और ये वाली कितनी आ गई ओनली 1.5। Its function is to absorb the water and some salts from the undigested food material. Undigested food material जो होते हैं उनसे वो water ले लेगी, the remaining waste passes into the rectum. और फिर बाकी जो भी बचा है वो सारा कहाँ आ जाएगा, इस rectum के अंदर आ जाएगा। Rectum and the remains there are semi-solid feces. Semi-solid मतलब कि अर्ध ठोस मलाशय, जिसको rectum मतलब कि इसको मलाशय भी बोलते हैं हिंदी में, जहाँ पे हमारे मंगलवार के लास्ट में इकट्ठा होता है एनिमल्स का या फिर सभी प्राणी का। द फेसल मेटल इज रिमूव द ग्रोथ ऑफ एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड निष्कासन, इसका हो जाता है एजेशन, एजेशन मतलब होता है आपका निष्कासन। ये जो भी हमारा वेस्ट बचा है डाइजेस्टेड होने के बाद में भी अगर वेस्ट मटेरियल बच रहा है तो ये फ्रैक्टर में जो है इकट्ठा हो जाता है जिसको मलाशय बोलते हैं, और टाइम टू टाइम ये साइनस से आउट होता है साइनस से। ये होता है सबके साथ में और साइंस का स्टूडेंट हो सब पढ़ना है, इसलिए अच्छे से पढ़ो, ये सभी स्किप कर दोगे तो आगे जाके फिर प्रॉब्लम होगी, बहुत बच्चों को शर्म आ जाती है, ऐसे थोड़ी पढ़ना है, तो कार्ड देना पड़ेंगे तभी तो आपको प्रॉब्लम बनना ही नहीं करना है। जैसे डॉक्टर तो ये तो बहुत छोटी चीज है, डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। डाइजेस्टेड इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, अब हमारा ये जो हमने पढ़ा था ये ह्यूमन के अंदर पढ़ लिया पूरा, अब ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो है उनके अंदर भी डाइजेशन होता है, मतलब कि जो घास खाने वाले होते हैं, घास खाने वाले गाय बकरी भैंस घोड़े जो होते हैं, ये वाला मैं आपको रफ कर देती हूँ, अब आपका देखिए आप हमको जो
फीडिंग एनिमल्स आर चेविंग कंटिन्यूसली, मतलब कि वो कंटिन्यूसली अपने मुंह में कुछ तो बदल नहीं होती। अगर वो नहीं खाते हैं तब भी आपने गाय भैंस को देखा होगा तो क्या होता है, चिव करते रहते हैं, जुगाली बोलते हैं इसको हिंदी में, चिव करते रहते हैं, चिव कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। एक्चुअली दे क्विकली स्वैलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कंपार्टमेंट, मतलब कि वो क्विकली चबाकर थोड़ा सा चबा करके अपना जो ग्रास होता है उसको अपने स्टमक में स्टोर करके रख देते हैं, जिसको हम मैन वाले यहाँ पे थोड़ा सा चबाएंगे और उसके यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, उसके बाद में अपने जो मुंह को कंटिन्यू चलाते रहते हैं ना, वहां से उसका उसका डाइजेशन होता है। हेयर द फूड गेट्स पार्टिकुलर पार्टी पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट, मतलब इसको हम कट बोलते हैं जो कि हमने मुंह से जो डाइजेस्ट किया है उसको। बट लेटर द कट रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लंग्स एंड द एनिमल्स चिव इट, मतलब फिर वो थोड़ा थोड़ा करके वापस उसके मुंह में आता है, तो फिर वो जो काउ वगैरह है उसको चिव कर करके फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में चेंज करती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रुमिनेशन, रुमिनेशन मतलब की रोम मंथन। दिस एनिमल्स आर कॉल्ड द रुमिनेंट्स, इसलिए इन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, रुमिनेंट्स। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, मतलब कि संकुचन उसमें ज्यादा होता है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन रुमिनेंट्स लाइक कैटल डियर एक्स्ट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रुमिनेंट हेल्प इन डाइजेस्टेड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का जो है डाइजेस्टेड में बैक्टीरिया जो प्रेजेंट रहते हैं स्टमक के अंदर वो हेल्प करते हैं। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलर, मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि इसको जो होते हैं सेलुलर के थ्रू और हमारे हम भी जो है वो इसको इस तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एनिमल्स लाइक हॉर्स रैबिट एंड एनिमल्स जैसे हॉर्स और रैबिट को हैव अ लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर सेल कैक्यूम बिटवीन द ऑसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपका ये वाला ठीक है ओके लार्ज है ना डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं होता है तो वो भी तो कैसे अपना डाइजेशन करते होंगे। इन द सेक्शन बिलो वन वी लर्न अनदर इंटरसेक्टिंग वे ऑफ फूड इंटेक, ऐसा होता है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, जब एक अमीबा इसी तरीके का होता है जो आपको बोला था ना सिंगल सेल जैसा भी होता है किसी के अंदर, वो सिंगल सेल होता है अमीबा है ना, फीडिंग एंड डाइजेशन अमीबा, तो उसके अंदर ना तो माउथ होता है और ना डाइजेशन सिस्टम होता है, जिस तरीके से आपको शो हो रहा जो फिगर आपको दे रखा है रेड रेड कलर का, ऐसे भी कुछ एनिमल्स होते हैं। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर, मतलब जो पानी के अंदर मिलता है और सिंगल सेल भी। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वेक्टर्स, मतलब इसका डायग्राम आपको दे रखा है इस तरीके से, इसमें ये सारी चीजें शो होती है बबल्स लाइक इन इट्स साइटोप्लाज्मा अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन इट पॉसेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द शेडो कोरिया,
एडिपोडिया। और साथ फीड और मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, मतलब ये इस तरीके से अपना ये फूड कैप्चर करते हैं, जैसे आपको ये फिगर में दिख रहा है ना, ये डायग्राम हो रही है ट्रांसपोर्ट ये वाला, इस तरीके से ये अपना कुछ स्ट्रक्चर चेंज करते हैं और इस तरीके से फूड को टैग करते हैं। ओके, इसी के बारे में कुछ आपको और आगे दे रखा है। अमीबा फिक्स ऑन वन सम माइक्रोस्कोपी ऑर्गेनिज्म वेन इट सेंसेस फूड इट प्रोसेस आउट आउट सेगमेंटिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एंड द फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूम वैक्यूम, मतलब कि इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा समझा रखा है। ओके, तो इस तरीके से आपका ये सेकेंड चैप्टर कम्प्लीट होता है। तो आप अच्छे से इनको डायग्राम को भी शो कीजिएगा जहाँ पे भी आपको जरूरत लगती है, बहुत अच्छे डायग्राम बनाने में, इसलिए तो डॉक्टर नहीं बनी क्योंकि मुझे डायग्राम बनाना ज्ञान नहीं आता है। पर सभी हंस रहे होंगे अभी ये कैसे काऊ बनाई है, तो मुझे काऊ बनाने नहीं आ रही थी, लेकिन स्टमक कहाँ है, ये सब पढ़ने थे, ये हमको समझ में आ गया। ओके, ये आपका सेकेंड चैप्टर कम्प्लीट होता है।